होस्ट हदीका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं ड्राई फ्रूट की शॉप पर, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिनमें बादाम, पिस्ता, चिलगोजे, किशमिश वगैरह आम है। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी क्या खासियत है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिफ। सर, मुझे बताएं कि आपके पास किस किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं, क्या क्या ड्राई फ्रूट्स में आपके पास पाया जाता है? हमारे पास हर किस्म का तकरीबन ड्राई फ्रूट होता है, जिसमें बादाम है, काजू है, सोगी होती है, चलगोजा होता है, मूंगफली होती है, जो भी ड्राई फ्रूट के आइटम्स हैं तकरीबन सारी ही होती हैं हमारे। इसके अलावा ये बताएं कि जो ड्राई फ्रूट की वैरायटी होती है आपके पास, वो एक ही किस्म की होती है या डिफरेंट किस्म की वैरायटीज होती हैं? ड्राई फ्रूट की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। आ जाती हैं। अब जैसे बादाम की बात की जाए तो मुझे बताएं बादाम कौन कौन सा होता है, क्या क्या किस्में हैं बादाम? बादाम जो है हमारा पाकिस्तानी भी होता है, अफगानिस्तान का बादाम भी होता है, ईरान का भी होता है, अमेरिकन भी होता है। डिफरेंट ममालिक में ड्राई फ्रूट तकरीबन जिधर जिधर पाया जाता है, बादाम काफ़ी मुल्कों में पाया जाता है। अच्छा, ये बताएँ कि इसकी क्या निशानी होती है जो हमें पता चलता है कि ये पाकिस्तानी बादाम है, ये अफगानी बादाम है, ये अमेरिकन बादाम है? पाकिस्तानी बादाम जो है वो ज़रा छोटा होता है साइज में, और अफगानी बादाम जो है वो बड़ा होता है। अमेरिकन बादाम का तकरीबन हर बंदे को पता है, देखते ही नज़र आ जाता है कि ये अमेरिकन बादाम है। अफगानी भी हैं, अमेरिकन भी हैं, पाकिस्तानी भी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये बताएँ कि क्या क्या रेट्स चल रहे हैं आजकल? डिफरेंट रेट्स होते हैं, ये मार्केट के हिसाब से जो चल रहे हैं। अभी जो है बादाम तकरीबन कोई 1600 से लेकर कोई 4000 तक का डिफरेंट जो है उनकी प्राइसेस होती हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव महंगे वाले हैं वो अफगानी बादाम होता है। ऐसा क्यों है सर कि अफगानी बादाम सबसे ज़्यादा महंगे हैं? वो एक तो खाने में अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, दूसरा साइज़ का उनका होता है, बड़े साइज़ के होते हैं, और ये देसी बादाम की ही किस्म है, इसीलिए ये महंगे होते हैं कि ये इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। अच्छा सर, एक और बादाम होता है जिसे हम कड़वा बादाम कहते हैं, वो क्या बादाम होता है, उसके बारे में बताएं कुछ? वो देसी बादाम जो इधर पाया जाता है उसमें कड़वा बादाम होता है कोई, और दूसरा ईरानी बादाम होता है उसमें भी कड़वा बादाम होता है। जो अफगानी और अमेरिकन है उसमें कड़वा बादाम कोई नहीं होता। सर, इसके अलावा और आपके पास क्या क्या होता है? ये जो है इसका क्या नाम है? मिक्स है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कैशू नट्स हैं, पिस्टैशियो हैं, वॉलनट है, चलगोजा है, सोगी होती है इसमें, मतलब जो ड्राई फ्रूट की तकरीबन सारी चीज़ें ही ये इसमें आ जाती हैं। सर, किस रेट से देते हैं आप? 2000 रुपीज़ पर केजी है। सर, आगे वो जो अखरोट है इसके बारे में बताएं। ये अखरोट मक्कन अखरोट भी होता है, पाकिस्तानी भी होता है देसी, जो है ये अमेरिकन लगा हुआ है, वो उस साइड पे देसी अखरोट पड़ा हुआ है हमारा, कश्मीर का जो कहते हैं। और ये खाने में जो है ज़्यादा जो देसी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसमें भी बस एक जो है आप कह लें कि ऑयल का फ़र्क होता है, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है वॉलनट में जो है, और इसमें ज़रा कम होता है। सर, अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात की जाए किशमिश की, तो किशमिश में भी बहुत ज़्यादा किस्में आती हैं, इसकी किस्मों के बारे में बताएं। जी, किशमिश जो है ये इधर पाकिस्तान में जो आती है वो ज़्यादा ईरान से आती है, और पाकिस्तान की अपनी जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती हैं, वो ज़्यादा वही लोग पसंद करते हैं। ये एक ये लगी हुई है वैरायटी, एक नीचे लगी हुई है, साथ ईरानी लगी हुई है। ये गज़ाइत में खाने में सबसे अच्छा अंगूर जो है वो पाकिस्तान का ही होता है, और लोग इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा सर, एक किशमिश होती है जो साइज़ में बहुत छोटी होती है और उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है, वो कौन सी किशमिश होती है? जी, उसको गोला सोगी कहते हैं, वो भी होती है हमारे पास, वो आगे लगी हुई है। सर, वो कहाँ से आती है? वो भी पाकिस्तानी होती है, वो जो छोटा अंगूर जो पंजाब में पाया जाता है, ये बेसिकली ज़्यादा अंगूर आता है सुंदरखानी, ये क्वेटा साइड से आता है, ज़ियारत पे जैसे ज़ियारत का कह लें वहाँ से ज़्यादा आता है। जो गोल जिसकी आप बात कर रही हैं वो यहाँ इधर पंजाब के अंदर ही अंगूर हमारा जो छोटा आम घरों में भी लगा होता है उससे वो बनती है, उसको गोला सोगी कहते हैं। उसका क्या रेट चल रहा है आजकल? वो तकरीबन कोई 1000-1200 के लगभग होता है उसका। अच्छा सर, एक
किशमिश होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो बहुत जो होती है ना, कह सकते हैं सुकड़ी भी होती है, वो कौन सी? नहीं तो नहीं आप कह सकते, वो जो ताज़ी चीज़ है वो तो नहीं होगी, वो अगर पहले की पुरानी पड़ी हुई है वो खुशक हो जाए, ड्राई हो जाए, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए उसमें से, तो वो इस तरह की हो जाती है। वैसे कोई ऐसी सोगी होती नहीं है कि जो बिल्कुल ही सुखड़ी हो। अच्छा सर, बड़े साइज़ में अगर किशमिश की बात की जाए तो दो तरह की किशमिश होती हैं, एक कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है और एक का कलर थोड़ा सा खिला हुआ होता है, थोड़ा लाइट होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी जो बिल्कुल फ्रेश आती है वो लाइट ग्रीन कलर में होती है, जो थोड़ा सा टाइम पड़ा रहे कोई एक दो माह, ज़ाहिर है ये सीज़न है अभी अंगूर का, तो अभी इसी से सोगी बननी है, अगर कुछ अर्सा जैसे पड़ा रहे तो वो उसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो होते हैं चिलगोज़े, इनके बारे में बताएं। चिलगोज़े जो हैं वो पाकिस्तान से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है सर? पाकिस्तान में जो है वो चिलास जो है वो उधर लगाया हुआ है, चिलगोज़ा उधर से आता है ज़्यादा, लेकिन उसका टेस्ट नहीं है। जो बन्नू का आता है या अफगानिस्तान से आता है वो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, खाने में ज़्यादा लजीज होता है, तो इसलिए वो महंगा भी ज़्यादा वही है। तो क्या रेट चल रहे हैं दोनों के? चिलगोज़े का है जो चिलास का है वो तकरीबन कोई 5-6 thousand के लगभग है, और जो बन्नू का है वो कोई 7-8 thousand के लगभग। आपके पास पिस्ता होता है? जी पिस्ता आता है, और पिस्ता आता है ईरान से, यहाँ नहीं होता पाकिस्तान। अच्छा, पिस्ते की बस एक ही किस्म होती है? नहीं, पिस्ते में भी दो किस्म होती हैं, एक मोटा पिस्ता होता है डोडी पिस्ता कहते हैं, एक कलमी पिस्ता होता है वो लंबा होता है ज़रा, ये दो किस्में ही आती हैं, वो आती ईरान से ही है। इस सब के बाद अब मुझे बताएं खजूरों के बारे में। खजूरों की तो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं, तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या किस्म होती है और आपके पास कौन कौन सी मौजूद होती है? जो पाकिस्तान की खजूर है वो हमारे पास नहीं होती, हमारे पास सऊदीया की खजूरें होती हैं, उसमें अजवा है, कलमा है, अंबर है और मबरूम है। अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो सऊदीया की हैं वो मैं बतला सकता हूँ, बाकी जो लोकल है वो आपको किसी और शॉपकीपर से पता करना, हम रखते नहीं हैं वो। सर आपके पास कौन कौन सी होती? हमारे पास जो है ये अंबर है, मबरूम है, कलमा है, अजवा है सऊदीया की। अच्छा सर, अब अगर बात की जाए अखरोट की तो उसके बारे में क्या कहेंगे? डिफरेंट रीजन्स में पाया जाता है, हमारे पास ज़्यादा होता है, एक तो जो कश्मीर का अखरोट है वो होता है, और दूसरा अमेरिकन आता है, और भी डिफरेंट मुल्कों के आते हैं, हमारे पास दो तरह के होते हैं, अमेरिकन और पाकिस्तान। अमेरिकन जो है वो ज़रा फार्मी आप समझ लें, और जो इधर लोकल है वही आपको पहले भी बतलाया था कि ऑयल इसमें ज़्यादा होता है, गज़ाइत ज़्यादा है इसमें, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम जो है वो देसी जो चीज़ है वो खाएँ। अखरोट देसी ही की टाइप है, वो सख्त होता है, वो वैसे नहीं टूटता। जो बड़ा अखरोट होता है उसकी भी ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जो पाया जाता है वो दोनों ही होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा है वो खाने में इस्तेमाल होता है, छोटा जो है वो वैसे ही नहीं टूटता नहीं है, सख्त बहुत होता है, हार्ड होता है। अच्छा सर, काजू के बारे में बताएं, काजू की क्या क्या किस्में होती हैं? काजू भी जो है वो डिफरेंट ममालिक से आता है, जो है सबसे अच्छा काजू जो है वियतनाम वाली साइड से आता है, दूसरा श्रीलंका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है ये कराची साइड में, लेकिन वो साइज़ में कोई इतना बड़ा नहीं होता, बहुत कम मकदार में होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है वो वियतनाम का होता है, खाने में टेस्ट में ज़रा अच्छा होता है, और उसकी बड़ा भी साइज़ होता है उसका। सर क्या प्राइस है उसकी? वो जो है तकरीबन कोई 4,000 के लगभग है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा हमने ड्राई फ्रूट शॉप पर आपको ड्राई फ्रूट की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बताया, उनके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते थे, और साथ ही साथ उनके रेट्स के बारे में भी आपको आगाह किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।